हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं करने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू। जो पहला प्रोडक्ट है वो है लैक्मे का 9 to 5 वेटलेस मूज फाउंडेशन, जिसका शेड है न्यूड ब्राउन। ये शेड मुझे पूरी तरीके से फिट आता है। इसका प्राइस है 550 और इसमें आपको मिलता है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट, जो कि आमतौर पर जितने फाउंडेशंस में मिलता है उससे 5 ग्राम कम है। आमतौर पर आपको 30 ग्राम मिलता है। पैकेजिंग इसकी बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। टेक्सचर बहुत मूजी है। मैंने इसे ब्रश, स्पंज और हाथ तीनों ही चीज़ों से लगाया और मुझे लगता है कि बेस्ट जो आपको कवरेज मिलती है वो या तो आप ब्रश यूज़ करें या फिर डायरेक्टली अपने हाथ यूज़ कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीडियम कवरेज मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तब तो ये आपको फबेगा, अच्छा लगेगा, आपके ऊपर टिकेगा। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा आपको फेस पे स्वेटिंग होती है, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा स्किन पे और केकी हो जाएगा। इसमें आपको 12 शेड्स मिलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि लैक्मे अब अपनी शेड रेंज पर काम कर रही है। क्या ये बेस्ट शेड रेंज है? नहीं, लेकिन डेफिनेटली लैक्मे ने कस्टमर्स की सुनी है और वो एक स्टेप ले रही है। इस फाउंडेशन में एक सिलिकोनी फील है, इसीलिए इसके साथ आपको प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली अगर आप एक डे टाइम के लिए मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा ये बहुत लाइट वेट है। मेरे ऊपर तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहा, जो कि आप चेक-इन्स में देखेंगे ही। बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एले गर्ल का ये ब्यूटी ब्रिक ब्लश पैलेट, और जो शेड मैंने लिया है वो है ग्लैम। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ब्लश, कॉन्टूर, हाइलाइट सब कुछ मिलता है। इसका प्राइस है 999, यानी कि 1000 रुपये इफेक्टिवली। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें दो ब्लश हैं। तो जो पहला तेज रंग है ना, जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, डार्क कलर है, वो जो है उसमें शिमर नहीं है बिल्कुल भी चमकीले टाइप के पदार्थ नहीं है। लेकिन जो दूसरा है, जो हल्का है, उसमें थोड़ा सा शिमर टाइप का है, थोड़ा सा ग्लिटर है। ठीक है, जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, मैग्नेटिक क्लोजर है, लेकिन शीशा जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट बहुत पतला सा शीशा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई विश वो देते, लेकिन नहीं है। ठीक है, दोनों ही ब्लशेस बहुत ही अच्छी तरह से पिगमेंटेड थे। मैंने इसको अलग अलग टाइम पे यूज़ किया। मुझे पर्सनली जो है डार्क वाला पसंद है, क्योंकि जो शिमरी वाला इनका ब्लश है उसके ग्लिटर पार्टिकल्स थोड़ी देर में इधर उधर फैलने लग जाते हैं। अगर आप उसको अकेले लगाएंगे तो वो ज़्यादा फैलेगा, लेकिन डार्क वाले के साथ मिक्स करके नहीं फैलता। नेक्स्ट, इसमें जो कॉन्टूर स्लैश ब्रॉन्जर दिया है वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा वॉर्म है, तो मैं उसको एज अ ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ, बट आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मेरे ऊपर शुरू में ये मुझे थोड़ा सा रेडिश लगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे यूज़ किया तो ये मुझे ठीक लग रहा है। देखिए, हाइलाइटर बुरा नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो इस तरह के हाइलाइटर्स की नहीं होती। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखने वाला हाइलाइटर है, और जो कलर है इसका वो ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन टोन पे फबता नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं मेबलिन मास्टर क्रोम वाला, मॉल्टन गोल्ड वाला हाइलाइटर जो मैंने यूज़ किया है, वो मेरी स्किन पे सबसे ज़्यादा फबता है, उभर के आता है, तो इसलिए ये हाइलाइटर इस पैलेट में जो है, अगेन मैं कहूँगी बुरा नहीं है, लेकिन बेस्ट नहीं है मेरी स्किन टोन के लिए। उसके बाद मैंने यूज़ किया है माई ग्लैम का ये 4-in-1 आई शेडो पैलेट। इसका शेड है वाइस। इसका ओरिजिनल प्राइस है 1250, लेकिन ये मुझे 900 समथिंग में मिला था। ये भी मैंने सेल के टाइम पे ही लिया है, क्योंकि तब आप काफ़ी कम प्राइस पे करते हैं बजाय कि फुल प्राइस के, है ना। तो इसमें 4 शेड्स हैं। इस पैलेट की एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो शेड्स हैं वो बहुत डेलिकेट हैं, और जबकि मैं अपने मेकअप को बहुत प्यार से संभाल के रखती हूँ, फिर भी वो टूट टूट सा रहा है एक शेड। इसमें जो ब्लैक कलर है, प्लेन ब्लैक, वो तो मैट है, उसमें किसी भी तरह का ग्लिटर नहीं है। एक इसमें गोल्डन कलर का आई शेडो है, जो कि पूरी तरह से चमकीला है, ग्लिटरी है। बाकी दो जो हैं ब्राउन और टोपी कलर्स, उसमें एक सॉफ्ट शिमरीनेस है। जब आप इस आई शेडो पैलेट को ऑनलाइन देखेंगे तो ये बड़ा लगेगा, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत छोटा आएगा। तो क्यूट है, ट्रैवल फ्रेंडली बहुत है, लेकिन 1000 रुपये में मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा बड़ा साइज एक्सपेक्ट करोगे। मिरर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस आई शेडो बहुत डेलिकेट है। पहला शेड तो बहुत आराम से ब्लेंड हो गया। मैंने ये टोपी कलर लिया था,
जो कि बहुत इजीली ब्लेंड हो गया, लेकिन इसमें कोई ट्रांजिशन शेड नहीं है, तो मुझे अपने पैलेट से ही जो ब्रॉन्जर मैंने यूज़ किया था उसी को मैंने पहले ट्रांजिशन शेड की तरह यूज़ किया, फिर मैंने उस टोपी शेड को जो है आउटर कॉर्नर पे लगाया। बहुत इजीली ब्लेंड होता है, बहुत अच्छा है यूज़ करने में, मैंने कई बार यूज़ किया है इस पैलेट को। जो एक शेड मुझे इस पैलेट से बहुत ज़्यादा नहीं पसंद वो है ये ब्लैक आई शेडो। इसका बुरा नहीं है अगर आप किसी आई शेडो को डीपन अप करने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप ब्लैक स्मोकी आई के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको एज एन इंडिविजुअल आई शेडो तो ये उतना काम नहीं करेगा, पैच ही लगेगा। लेकिन अगर आप किसी आई शेडो को जो आप अपने आउटर कॉर्नर की साइड लगा रहे हो है ना, आंखों की लिड के कॉर्नर पे, अगर उसको डीपन अप करने के लिए यूज़ करोगे तो ठीक है। शिमर जो है इसमें गोल्डन, वो सिर्फ उंगलियों के साथ बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर आप ब्रश के साथ यूज़ करोगे तो उतना अच्छे से उभर के नहीं दिखेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी जो है उंगली से इसको लगाएं अपने आईलिड एरिया पे, तब ये निकल के आएगा, एकदम चमकेगा वो ग्लिटर, है ना। ग्लिटर तो इसीलिए लगाते हैं कि चमके। बाकी इसमें जो दो शिमरी शेड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्लिटरी नहीं है, सॉफ्टली शिमर हैं, वो बहुत अच्छे कलर्स हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। इस आई शेडो पैलेट में ना पैराबिन है, ना ऑयल्स हैं, ना मिनरल ऑयल है, ना D5 है, ना नैनो इन्ग्रीडियंट्स हैं। सो ये मनीष मल्होत्रा का कलेक्शन है, मेकअप कलेक्शन, और उसी में से मैंने ये पैलेट लिया है। और ये स्मोकी आई के लिए बहुत अच्छा पैलेट है, अगर आपको क्रिएट करना है आप इससे डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत क्रीमी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और इसमें लिखा हुआ है वेबसाइट पे कि ये पाउडर फ्री भी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है कलाबार से जस्ट स्मोकी आई काजल, और मैंने लिया है ब्लैक कलर में। इसका जो प्राइस है वो है 675 रुपीज़, और इसमें आपको मिलता है 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साथ एक स्मजर भी आता है जो कि मैंने यूज़ नहीं किया। दूसरे एंड पे एक साइड पे काजल है, एक साइड पे स्मजर है। इतना क्रीमी है कि ये आपको एक मैट फिनिश देता है और हिलता नहीं है लोअर लैश लाइन से। नेक्स्ट है लैक्मे एब्सोल्यूट का फ्लटर सीक्रेट वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा जो कि है ब्लैक कलर में। इसमें आपको 7.5 ml का प्रोडक्ट मिलता है, और इसका जो प्राइस है वो है 650 रुपीज़। तो ये जो है आपकी लैशेस को लेंथ देगा, बहुत अच्छे से सेपरेट करेगा, वॉल्यूम भी देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं करेगा। कई लोगों को कर्लिंग मस्कारास पसंद होते हैं, तो ये कर्ल बिल्कुल नहीं करेगा, ये टिक जाता है, स्मज नहीं करता, है ना। तो अगर आप एक ऐसा मस्कारा ढूंढ रहे हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो, वॉल्यूम दे, है ना, और ये वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है, लेकिन अगर आप वाटर के साथ कांटेक्ट में आ गए और स्क्रैच करेंगे अपनी आईलैशेस को गलती से भी, तो ये हल्का बहुत इसमें फ्लेक्स निकल के आएंगे, क्रम्स जिसको बोलते हैं ना, थोड़े थोड़े टुकड़े निकल के आएंगे, ठीक है। स्मज रेजिस्टेंट है, लेकिन आप जोर जोर से रगड़ेंगे तो फिर तो डेफिनेटली कोई भी मस्कारा निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें वॉल्यूम चाहिए, लेंथ चाहिए और सेपरेट करने वाले लैशेस चाहिए। उतरी की ये प्लंज सुपर मैट लिपस्टिक, जो मैंने शेड लिया है उसका नाम है स्कैंडल न्यूट, और मैंने ये 495 की ली थी, लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस है 550 रुपीज़। इसमें आपको 4.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी अच्छी बात यह है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, पैकेजिंग इसकी बहुत बेसिक है, लेकिन बुलेट स्ट्रांग है, स्टर्डी है। जब आप इसको लगाएंगे अपने लिप्स पे, थोड़ा बहुत टग एंड पुल की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली अगर आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं इसे लगाने से पहले, लेकिन सर्दियां हैं तो प्लीज़ करें, क्योंकि कोई भी लिपस्टिक ड्राई लगेगी थोड़ी देर के बाद। अगर आप लिपस्टिक नहीं भी लगा रहे हैं तो उसके बाद भी लिप्स जो हैं ड्राई हो जाते हैं, तो ये तो सर्दियां हैं, तो थोड़ा सा स्किन पर रहम खाएं। इसमें आपको 15 शेड्स मिल जाएंगे अलग अलग, और इसका टेक्सचर जो है काफ़ी स्मूथ है, लेकिन अगर आप स्क्रब नहीं करेंगे तो ये डेड जो सूखे होठ होते हैं ना, रूखे, जबकि स्किन निकल रही होती है उसके ऊपर बैठ जाएगा और अजीब लगेगा, गंदा लगेगा। फॉर्मूला बहुत कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, इसमें किसी भी तरह की चमक या शीन नहीं है। अगर आप लिप बाम लगाकर वेट वाइप से रिमूव कर देंगे या टिश्यू से रिमूव कर देंगे, फिर ये मैट ही फिनिश देगी। अगर आप लिप बाम लगा के 2-3 मिनट छोड़ देते हैं और लिप बाम की शीन आपके लिप्स पे टिकी भी है, तो इसमें भी आपको थोड़ी बहुत चमक दिखेगी।
पिगमेंटेशन जो है आप फुल बना सकते हो। बाकी लिपस्टिक की जो ब्रांड है वो वीगन और क्रूटी फ्री है, और आप चाहें तो इसको कोशिश कर सकते हैं पाउडर डाउन करने की, तो ये और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ बहुत ऑयली खाएंगे तो ये फिर जल्दी निकल भी जाएगी, तो वो तो हर लिपस्टिक की दास्तां है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी खाएं तो फोक एंड नाइफ से, मतलब अगर तहजीब से खाएंगे तो बहुत धीरे धीरे फेड होगी, लेकिन कुछ एक्सट्रीमली ऑयली टाइप का खाएंगे तो बीच में से, लिप्स के बीच में से चली जाएगी, और 5 घंटे बाद तो ये लिपस्टिक फेड होनी शुरू ही हो जाएगी, और 8 घंटे तक ये नहीं टिकती, लेकिन 4 से 5 घंटे आराम से टिकती है। तो मुझे लगता है आप टचअप वचअप कर सकते हैं आराम से। बाकी मुझे लगता है कि ये 8 आवर्स का मैंने आपको वेयर टेस्ट दिया है, तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन बहुत अच्छे से टिक गया, ब्लश भी टिका, कॉन्टूर भी टिका, हाइलाइटर भी टिका है ना, और आई शेडो भी अच्छे से टिक गया, मस्कारा काजल कुछ भी स्मज नहीं हुआ। सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो थोड़ा बहुत, सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो थोड़ा इधर उधर हुआ है, वो लिपस्टिक है, जो कि आमतौर पे हो ही जाती है, तो हम टचअप कर लेते हैं वॉशरूम में जाकर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।